गया जिले के कई महादलित टोलों के लोग नाली के दूषित पानी में जीवन जीने को बेबस व लाचार हो गए हैं। जहां नाले का निर्माण नहीं किया गया, जिससे सड़क पर दूषित पानी का जल जमाव अक्सर देखने को मिलता है। आज तक ना इस टोले में अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और न ही लोगों को दूषित पानी के जल जमाव से मुक्ति मिल सकी है। मामला गुरुआ प्रखंड के मलपा पंचायत के वर्मा महादलित टोले का है, जहां नाली का तो निर्माण किया गया लेकिन दूषित पानी का निकासी नहीं किया गया, जिससे सड़क पर दूषित पानी का जल जमाव अक्सर देखने को मिलता रहता है। आज तक न इस टोले में अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, जिससे दूषित पानी के जल जमाव से लोगों को मुक्ति मिल सके। आए दिन कई बार इस टोले में रहने वाले लोगों को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया, कुछ ही दिन पहले आसला अधिकारी के द्वारा दूषित नाली के पानी से मुक्ति दिलाने के आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज तक इसी नाली के पानी में जीवन बसर करने को मजबूर है। लोगों का कहना था कि गंभीर बीमारी जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा का भी डर लगा रहता है। इस मामले में मुखिया महेश कुमार मांझी ने बताया कि नाली का पानी निकास के लिए NOC तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सरकार की राशि न रहने के कारण ये अभी तक बाधित पड़ा है। तत्काल इस पानी का निकासी के लिए आंचला अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया, जो ग्रामीणों ने इंतजार में बैठा है। तो वही समस्या से संबंधित मीडिया कर्मियों के द्वारा आंचला अधिकारी को फोन किया गया, तो समाचार प्रकाशित करने तक फोन का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझा। CEO भी आवेदन लेके गए, इसको CEO को आवेदन दिया करवाने के निरीक्षण किए थे, निरीक्षण करके गए हैं, पास भी कर गए हैं कि ऐसे रोड नाली बनेगा। मुखिया ही बोला कि बन जाएगा, तब फंड आया नहीं। अभी आप लोग आवेदन दिए CEO साहब के? CEO देख के गए खुद, CEO पानी गिला देख लो खुद हुआ, ऐसा कोई CEO करवाया दिन पहले? 5 दिन पहले गया CEO देख के। क्या नाम आपका? नवीन कुमार। कहाँ रहते हैं? वर्मा। समस्या कहाँ कहाँ है? समस्या वर्मा का। कोई पंचायत? मलपा। और प्रखंड? प्रखंड गुड़ारो। कितना नंबर बाड़ी पड़ता है? 12 नंबर बाड़ा है 12 13 सभी बाड़ में। नली जो है इंजीनियर साहब जो है ब्लॉक के, वही तो पास किए हैं भाई की सही है। हम लोग क्या करें, फिर पानी कैसे जम जाता है? सुनिए ना, फिर पानी इसलिए जम रहा है कि पानी निकाले के निकास बंद हो गया। अच्छा, बस कैसे हो गया? मैंने बंद कौन कर दिया, कोई पब्लिक बंद कर दिया या रोल बना? इस चलते पहले वो घर नहीं था, पहले खेत था, तो आदमी की जाय दिया। अब आपको जमीन है तो आप पहले ना दीजिएगा, परस्पर जमीन में किसी को बहने ना दीजिएगा आप, और उसको परस्पर जमीन है तो कहाँ बह देगा। कल के लिए उसका मकान है गिर जाएगा मिट्टी के, जैसे बगल में मिट्टी के भर जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो नहीं ना बह देगा कोई। इसलिए अब सरकार की योजना था, वही बन रहा था, वही घर में बोले कि सर पहले इसको में पानी में हिल के जाए पड़ा है बरसात में, हर बरसात में इसी तरह से होता है। वजह क्या है? बजा है गांव के आमदी बोलवे न कर रहे भैया। अच्छा, इधर नाली बना है कि नहीं? नाली है ना, बना बना है, तो पानी क्यों जम जाता है? पानी हर साल जम गया। रोड आधा बना है? रोड हुआ तक बना बना रोड बनल है तो क्या पानी नली में निकासी नहीं है? निकासी है, है ना। अच्छा, अब मुखिया जी के फरियावा। अच्छा ठीक है, आप इधर कहाँ पे रहते हैं? हम बीच गांव में रहते, तो पानी में ही होकर आना जाना पड़ता है। ऐसे हमने जाहिर है। तो दुर्घटना भी होता होगा, गाड़ी भी गिर जाती होगी? गिर जाए। बात ऐसा है कि जो पानी जो रोड पर है उसका रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद है, और बंद है जो 173 जो हाईवे रोड बना, रोड के तहत से हर गांव में नाला बनवाना था, लेकिन रोड बनाया चलते रहा, नाला न बना, नाला के प्रॉब्लम है। कौन लोग नाला बनवाए? नाला तो रोड का विभाग से बनाना था ना, हर गांव में तो रोड का विभाग से बनाना था। इस संबंध में किसी अधिकारी को अवगत कराए हैं आप? देखिए, हम लोग CEO साहब के भी बोले, CEO साहब भी आकर देख के गए। कब बोले थे आप? करीब करीब 5-6 दिन 7 दिन हो गया। चलिए ठीक है, आके देख के गए। जी जी, तो क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दी उनको, मतलब NOC के लिए वो बोले कि मुखिया जी हम NOC देते हैं, अब बनवाइए, लेकिन अब टेंडर के लिए अब कहाँ से आएगा, अभी वो हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम। क्या बनवाइए? टेंडर जो पैसा जरूरी है तो हम लोग NOC मिल गया है जी, लेकिन अब लफड़ा आ रही है पैसा को लेकर कि भाई टेंडर नहीं है। अभी इस पानी में लोग इसी पानी से नाली के दूसरे पानी में आने जाना हो रहा है जी, सब पानी से आइए जा रहा है रास्ते है। तो तत्काल इसका प्रावधान क्या है, क्या उपाय लग सकता? तत्काल तो अभी यही है कि 7 दिन जो पहले से जा रहा था पानी जो निजी जमीन में, अभी थोड़ा देर के लिए जाने दीजिए, लेकिन हम लोग बनाने के लिए लगे हुए। तो आज भी CEO साहब बोले थे नाने के लिए? आने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक तो पहुँचे नहीं, नहीं आए। क्या नाम है हमको? महेश मांझी, ग्राम पंचायत मलपा, मुखिया परिषद।